हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम अल्फाबेट राइटिंग सीखेंगे, वो भी पैटर्न की सहायता से, यानी कि बच्चों को कौन कौन से पैटर्न की प्रैक्टिस करवाएं जो कि उन्हें अल्फ़ाबेट लेटर लिखने में काफ़ी हेल्पफुल हों। तो चलिए कैपिटल लेटर के पैटर्न्स देखते हैं। पर हम देखेंगे कि बच्चों को बुक में किस तरीके से प्रैक्टिस करानी होती है। आप ये ले सकते हैं, इसमें पैटर्न की प्रैक्टिस कराई गई है। ये स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, अगेन फिर स्टैंडिंग और स्लीपिंग के बेस पे जो लेटर हैं उनको प्रैक्टिस कराया गया है। स्टैंडिंग लाइन आई, स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन मेक्स एल, स्टैंडिंग लाइन एंड स्लीपिंग लाइन मेक्स टी, स्टैंडिंग लाइन एंड टू स्लीपिंग लाइन मेक्स ईयर, अगेन स्टैंडिंग लाइन एंड थ्री स्लीपिंग लाइन मेक्स ई, अगेन टू स्टैंडिंग लाइन एंड वन स्लीपिंग लाइन मेक्स एच। इसी तरीके से एक पैटर्न के बेस पे आप जितने लेटर हैं उनको एक साथ प्रैक्टिस करवाएं। आप देख सकते हैं यहाँ पे, फिर अगली पैटर्न स्लैंटिंग लाइन इस तरीके से, फिर टू स्लैंटिंग लाइन एंड वन स्लीपिंग लाइन मेक्स ए, अगेन टू स्टैंडिंग लाइन टू स्लैंटिंग लाइन मेक्स एम, टू स्लैंटिंग लाइन मेक्स वी,
यहाँ पे फोर स्लैंटिंग लाइन मेक्स W, अगेन स्लैंटिंग लाइन बेस्ड लेटर्स को एक साथ प्रैक्टिस कराएं, प्रैक्टिस विद पैटर्न। यहाँ पे अगेन स्लैंटिंग लाइन, सिंगल स्लैंटिंग लाइन का अलग अलग प्रैक्टिस किया गया है, यहाँ पे भी स्लैंटिंग लाइन मेक्स N K X Y Z। यहाँ पे फिर से एक पैटर्न पे बेस्ड सारे लेटर एक साथ प्रैक्टिस। इसके बाद कर्ल, डाउन कर्ल, P B R D, फिर एक साथ, फिर अप कर्ल, U C Z, एक साथ, फिर O सर्कल, यहाँ पे सर्कल मेक्स O, सर्कल मेक्स वन स्लैंटिंग क्यू, यहाँ पे कर्व मेक्स स्क्वायर G, फिर एक साथ। अब हमने सारे अल्फाबेट की प्रैक्टिस होने के बाद एक साथ सबको ट्रेस करवाएंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। फिर अगेन एक साथ में देंगे ए टू जेड टेस्ट करने के लिए। फिर सीक्वेंस यानी कि मिसिंग लेटर कंप्लीट कराएंगे, अरेंज कराएंगे, ताकि बच्चों को सीक्वेंस अच्छे से लर्न हो जाए कि ए के बाद क्या आता है, बी के बाद क्या आता है, ऐसे इस तरीके से। इसके बाद रैंडम प्रैक्टिस करवाएंगे, आप इस तरीके से दे दीजिए, फिर बच्चों को बोलिए कि जो भी लेटर है उनको सीक्वेंस से अरेंज करें। जैसे यहाँ पे ई सी, इनका कोई ऑर्डर नहीं है, यहाँ पे हम ऑर्डर में अरेंज करेंगे, तो ए बी सी डी, इस तरीके से प्रैक्टिस करवाएं, ताकि बच्चों को सीक्वेंस की अरेंजिंग अच्छे से आ जाए। तो इस तरीके से आपने देखा कि कैपिटल लेटर अल्फाबेट लिखना सिखाने के लिए हमें पैटर्न की सहायता से बहुत ही आसान हो जाता है, इसलिए बच्चों को पहले पैटर्न की प्रैक्टिस को अच्छे से करवाएं, उसके बाद पैटर्न बेस्ड प्रैक्टिस करवाएं, फिर जब आप ए टू जेड पैटर्न से रिलेटेड प्रैक्टिस करवा हो जाए, फिर लास्ट में आप उनका सीक्वेंस अरेंज करने के लिए प्रैक्टिस करवाएं ए टू जेड। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।